उड़ रहा, फंस गया दोबारा से, निकल गया भाई, उड़ गया मम्मी, उड़ गया हवा, इधर की साइड ही हवा। ये पतंग नहीं उड़ने वाला, इसने बड़ा काम करा कर था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आई होप आप सब होंगे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30 और गाइस अभी पापा गए थे बाजार में और बाजार से लाए हैं लौंग और डड़िया की लंदा है, लौंग और जाफल, और गाइस इसको ना तेल में मिक्स करके ना गर्म करके अच्छे से ना, तो फिर हाथ में लगाएंगे। कोई देर दर्द वर्द सट लगी हो? अच्छा, मेरे हाथ में ना अच्छे से मालिश कर देंगे इसकी। और गाइस मैंने पापा से ना दर्द वाली दवाई भी मंगा ली है, देखो कुछ भी भारी चीज उठाऊं तब भी दर्द होना शुरू हो जाती है साथ पे, तो अभी मैंने दवाई मंगवाई है दर्द वाली पापा से, तो अभी ये खाते हैं। डैडी पूरी हवा क्या आती अभी? हां अच्छा, टूट गई फाइनली, दवाई खाते हैं। गिलास भी नहीं उठाया यार। और जाफल अच्छे से पीस लिया। तो गाइस अभी अलसी का तेल ले लिया, तो अभी पापा गर्म करेंगे इसको। चल हो गया। ओ भाई गर्म कर दिए तेल में, इसको बाद में ठंडा करके तो फिर अच्छे से मालिश करेंगे। फाइनली अभी मम्मी ने अमरूद बना दिए, तो अमरूद खाते हैं। अच्छा लग रहा है तेल, ये तो बड़ा काला ये तेल है। डैडी ने अमरूद, पता नहीं कैमरे में नजर आएगा नहीं आएगा, पतंग बड़ी दूर उड़ रहा, बड़ी दूर आ गया इस पर। तुम भी काफ़ी ठंडा और पतंग उड़ाने में भी मजा आ जाएगा। पर चलते गए इस घर से पतंग लेके आते। पतंग ना स्टोर रूम में नहीं रखे थे, मैंने इधर ही रख दिए थे मशीन के पीछे, क्योंकि गए स्टोर रूम में ना चूहे होते हैं और कमरे के अंदर भी चूहे हैं, इसलिए मैंने रखे नहीं उधर। देखो भाई पतंग, ओ भाई बच गए, फट ना जाए यार, कैसे हो गए पतंग। पतंगों में से एक पतंग निकाल लेते हैं, निकल गया, और बाकी के पतंग रख देता हूँ गाइस। निकाल लेते हैं पिन्ना, मैं चला पतंग उड़ाने। आहो आ जा ठीक है, मम्मी भी आ रही है गाइस, मम्मी कनिया दे देंगे। गाइस मेरे से ना आज से ब्लॉग भी नहीं बनाया जा रहा, इतनी दर्द हो रही है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता। तो डॉक्टर तो बता रहे थे ऑपरेशन करेंगे, तो क्या करें पैसे नहीं है, MRI भी करानी थी 5,000 की थी, इतनी तनख्वाह नहीं है पापा की। बता, ये रहा कांटा, मिल गया मेरे को, ये रहा गाइस कांटा। जी हवा है ना इधर दी साइड, है नहीं इधर दी साइड हवा है, हूँ इधर साइड ही पतंग उड़ना है, वो भी पक्का पता नहीं मेरे से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। मेरे हाथ भी दर्द कर रहा है ना, तो अभी कांटे से ना तलामे डाल लेते हैं अभी। एक इधर करेंगे, एक इधर करेंगे, हो गए, कांटे को अच्छी जगह फेंकते नहीं तो हमें चुभेगा। तो गाइस फाइनली अभी मैंने तलामे भी बांध लिया, और मम्मी को बोलते कनिया दे दो, मम्मी ला कनिया दे मैनू, उधर साइड जाने पड़ना तेनों, ठीक है? हाँ हवा उधर दिया गया, तो गाइस मम्मी तो जा रही कनिया देने के लिए, तलामे पता नहीं मैंने कैसी बांधी है। उड़ तो रहा पतंग, खुद ही क्रैश हो जा रहा है, दोबारा ट्राई करते हैं। तो गाइस पतंग क्रैश ही हो गया, ऊपर काफी ऊंचा उड़ा था, क्रैश खुद ही नीचे आ गया अपने आप ही। ओ निकल गया, ओ दुख दोबारा क्रैश हो गया, ऐसे क्रैश हो रहा है खुद ही खुद। ये पतंग खराब है गाइस, पतंग खराब है, हुन मैं कितना कंट्रोल करा दस, नहीं उड़ रहा पतंग। बड़ी कोशिश कर ली, बड़े जुगाड़ कर लिए मैंने, डोर से भी बांधा साइड से, तब भी नहीं उड़ रहा, फंस गया दोबारा से, निकल गया भाई, उड़ गया मम्मी, उड़ गया हवा, इधर की साइड ही हवा, हाँ बस ये बूटियाँ से फंसे कर रहा है, हाँ इधर की साइड ही हवा। पिन्ना लिया चुकी है पिछो, मैं भी किन्ना कर उड़ावा एक हाथ से, देखो कैसे मैं वीडियो बंद कर लूँ, पहले इसको अच्छे से उड़ा लूँ, फाइनली कब अब जाके उड़ा। ओ भाई क्रैश हो रहा है यार, क्रैश ना होए बस, बाकी ठीक है भाई, क्रैश हो गया भाई बच्ची। अच्छा रहा यार कि थोड़े जिम में डालूंगा, क्रैश हो गया दोबारा, उधर से ऊपर हो आया थला, इधर क्रैश हो गया। मम्मी रहती है फिर, मेरा एक तो हाथ भी दर्द कर रहा है, इस क्या करें। हवा तो है पर इधर साइड हवा है, और बूटे बड़े हैं इधर साइड, जो उड़ा रहा हूँ पेड़ में फंस रहा है पतंग, और ऊपर से क्रैश भी काफ़ी हो रहा है। गाइस हवा तो चल रही है, देखो उधर भी पतंग उड़ रहे हैं गाइस बड़ी दूर, दो मैं अभी जा रहा हूँ पिछली ग्राउंड पे, वहाँ पे उड़ाएंगे पतंग। चलिए मम्मी डोर ना खराब हो जाए, डोर फंस गई पीछे, आवाज आएगी पतंग पीछे, मम्मी आंधी लेट है यार। मैं भी किन्ना खोल दिता फोड़ो पतंग ही क्रैश हो जा रहा, मैं क्या करूँ। ₹10 बर्बाद हो गए, इससे अच्छा टेप आ जाती है अच्छी सी।
यार मेरा दर्द भी बड़ी हो रही है। चलो पिन्ना देखते हैं यार, पिन्ना खराब हो गया होगा मेरा। चलिए काफ़ी पतंग उड़ा लिया गया, चलते हैं अभी घर पे। इतना परेशान मेरे को किसी ने किया आज, पूरा परसीनो परसीनो हो गया ठंडे मौसम में। गाइस पूरा परसीनो परसीनो हो गया हूँ, पूरे परसीने परसीने आ रहे हैं मेरे को। इधर गया हूँ, पिन्ना भी गुम हो गया। मम्मी एनक भी नहीं डाली, अभी पिन्ना भी नहीं लभेगा। ए रहा मिल गया। ये पर गाइस अभी डोर भी करना पड़ेगी। चलिए हमने पिन्ना भी कर लिया और काफ़ी टाइम लगा पिन्ने को करने में, डोर भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक कर करके कहीं जाके पिन्ना हुआ। तो अभी चलते हैं घर पे। मम्मी आज क्या बनाएंगे फिर खाने में? सवेरे की दाल बना देता हूँ, चावल बना। अच्छा चलो ठीक है, खाना तो रेडी है गाइस। पापा के साथ ना मंजा डवा लेते हैं, और गाइस मैं पापा को कह रहा हूँ कि अभी तेल मार लेते हैं। डैडी चल डाल, अभी अच्छे से मल रहे हैं तेल। दर्द हो रही है बड़ी गाइस, हड्डी में दर्द हो रही है, जो साइड में हड्डी नहीं होती गाइस इधर वाली, इधर दर्द हो रही है। ज़्यादा कुट के ना माल फाइनली। अभी पट्टी भी बांध ली और चाय भी खराब हो गई। खराब हुई? ओ भाई सारी चाय खराब हो गई। खराब होगी, आज किस्मत ही नहीं है चाय पीने की। तो भाई फाइनली मम्मी ने अभी खाना भी ला दिया, और खाने में है दाल चावल। और गैस मेरे हाथ में भी काफ़ी दर्द हो रही है। चखते सब्जी कैसी हो रही है। और गैस दोपहर को भी मैंने यही सब्जी खाई थी फुलके के साथ, तो अभी चावल के साथ खा रहे हैं। आज हम जल्दी खाना खा रहे हैं गैस, थोड़ा कल गैस हाथ ठीक हो जाएगा तो फिर अच्छे से पतंग उड़ाएंगे। और गैस आज भी उड़ जाता पतंग, पर हवा नहीं चल रही थी गैस, और हवा का भी नहीं पता चल रहा था किधर साइड चल रही किधर की साइड नहीं। तो और पतंग भी थोड़ा सा ऐसे ही ख़राब था, क्रैश हो रहा था आज, प्रॉब्लम भी काफ़ी थी, ठीक है ना। और कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। बहुत ज़्यादा पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।